सो बच्चों वेलकम बैक। अब हम आ गए पार्ट टू के पास। एकदम अच्छे से हाईलाइट करके रख दो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। वी आर स्टडिंग कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। I hope you have appreciated the word that we have used the word accounting standard. ये word change हो रहा है और ये साल change होगा। और अगर यही word हो गया Indian accounting standard rules 2015 तो अलग हो जाएगा। तो पेज नंबर 11 पर अगर आप देख रहे होंगे तो 2006 ये words यूज किए गए। और वही चीज अगर आप पेज नंबर 14 पर जाएंगे, 14 पर भी एक सेम टाइप का टेबल दिया हुआ है। सो वहां पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। तो आपने दो डिफरेंस नोटिस किए कि मतलब क्वेश्चन में ये दो वर्डिंग्स मायने रखेगी कि आपको किसके हिसाब से बोल रहा है। अगर कोई रूल्स 2006 के हिसाब से बोल रहा है तो उनको शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा, विच इंक्लूड्स 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड व्हाट, नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर्स। बट लवली पीपल, इफ आई गो हियर, इस जगह पे पेज नंबर कौन सा ही है, आई बिलीव 14 पर, तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे 5। एक बनेगा बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS नहीं है मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, और क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैडम आप लिख क्यों नहीं रही है, यू नीड एन इन्विटेशन फ्रॉम मी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इधर 5 बन गए, उधर कितने है, 4। सही है, कैन आई गो अहेड नाउ। तो पढ़ते देखिए, ये कुछ डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए इसलिए लिए, बट हालांकि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो देख लेते क्या क्या है। फर्स्ट क्या चीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस the standards of accounting or any addendum thereto as specified in rule 3 of these rules. मतलब कौन से rules की बात कर रहे हैं, rules 2006 की। आगे act means companies act 1956 and companies act 2013 as the case may be, agreed। next annexure means annexure to these rules, जैसे schedule 3 is an annexure, getting my point, go ahead। financial statement means financial statement as per section 24 of the Companies Act 2013, जिसमें मैंने आपको बताया कितने हैं, 4। Enterprise means a company defined under section 220 of the Companies Act 2013 or section 3 of Companies Act 1956 as the case may be। मतलब in other words companies होना चाहिए। हाँ, अब small and medium companies, अगर आप वो chart open कर देखेंगे तो मैंने corporate को divide किया है दो part में, 3 नहीं, level 1, 2, 3 नहीं है, सिर्फ एसएमसी एंड नॉन एसएमसी, एसएमसी और नॉन एसएमसी, ऐसे दो। जो नॉन एसएमसी है ना उनको आइडेंटिफाई करना सिंपल है, जो हमने लेवल 1 के लिए पढ़ा वही यहां पर भी एप्लीकेबल है। सो ये देखो जरा ध्यान से, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, ये मैं किसका सिखा रहा हूं, एसएमसी, छोटी कंपनियां किसको कहेंगे, वहां पर कैसे दिखाया गया था लेवल 1 क्या है, बड़ी कंपनी किसको कहेंगे, वहां पर ऐसे सीखा था, यहां पर क्या सीख रहे, एसएमसी किसको कहेंगे। तो देखिए, हुज इक्विटी और डेट आर नॉट लिस्टेड, हाईलाइट द वर्ड नॉट लिस्टेड, लिस्टेड हुआ तो क्या बन जाएगी, नॉन एसएमसी।
are not listed or not in the process of listing on any stock exchange, whether in India or outside India. ये negative में दिया हुआ है, not है. वहां पर अगर उन्होंने बोला listed है या in the process of listing है तो level one. Next, which is not a bank, वहां पर बोला is a bank. Level one में is a bank, यहां पर बोला not a bank. ये सारी condition में से कोई. Financial institute or insurance company whose turnover does not exceed 50 crore in the immediately preceding accounting year. वहां पे कैसा था? Exceeds 50 crore. Which does not have borrowing, including public deposit, in excess of 10 crore. Does not have. वहां पर क्या था? Have greater than 10 crore. Going ahead. Which is not a holding. Again, not. होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ SMC. मतलब अगर लेवल वन पता है ना पांडे जी, तो आपको नॉन SMC भी पता है. मैंने क्या बोला समझ में? अगर आपको लेवल वन पता है तो आपको नॉन SMC भी पता है. डन. देन गोइंग एट, कंपनीज नॉट फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ SMC आर कंसिडर्ड एज नॉन SMC. मतलब जो SMC नहीं है वो क्या बन जाएगा? नॉन SMC. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम डाउन टू फ्यू क्वेश्चंस. फ्यू क्वेश्चंस. पॉइंट नंबर 15 के पहले पॉइंट नंबर 16 के पास आ जाइए. इजी जाएगा समझना. पॉइंट नंबर 16 के पास आ जाइए. क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे एग्जाम में. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज SMC एज पर कंपनीज AS रूल्स 2006. ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी. प्लीज हाईलाइट द वर्ड सब्सिडरी. A private limited company, subsidiary of a multinational company, listed on London Stock Exchange. It has turnover of 12 crore and borrowing of 5 crore. तो क्या है? जो multinational company है ना, उसका turnover क्या है? 12 crore. और borrowing कितनी है? 5 crore. तो 50 crore के या 10 crore के limit में तो नहीं बैठ रही है, but listed है. जो MNC listed है और उसकी ये प्राइवेट कंपनी है सब्सिडरी. तो अगर आपको याद है लिस्टेड कंपनी विल कम इन नॉन SMC. यस. और उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी कोई भी कंपनी होगी तो वो भी क्या बन जाएगी? नॉन SMC. तो पहले का आंसर देखो नॉन SMC. और रीजन आपको पता है क्यों रीजन नॉन SMC है? क्या रीजन है? हाईलाइट करो. 50 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ का नहीं, लिस्टेड है और लिस्टेड के बाद में उसकी होल्डिंग सब्सिडरी. समझ में आया? इधर लिखा भी है टर्नओवर एंड बोरोइंग आर नॉट रिलेवेंट. नाउ गो हेड. बी प्राइवेट लिमिटेड विच हैज अ टर्नओवर ऑफ 45 करोर, अदर इनकम ऑफ 7 करोर एंड बैंक बोरोइंग ऑफ 9 करोर. अच्छा 45 करोर तो टर्नओवर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड अदर इनकम. आई वुड रिपीट इट. टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड अदर इनकम एंड बैंक बोरोइंग इज 9 करोर. तो इट विल बिकम SMC. क्योंकि अगर 50 करोड़ के ऊपर है या 10 करोड़ के ऊपर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन SMC. यहां पर तो SMC बन जाएगी ना ये. सो देखो इसका आंसर क्या है. SMC. टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड बोरिंग डज नॉट एक्सीड 10 करोड़. हेंस इट इज एन SMC. एम आई कम्युनिकेटिंग? रीड द नेक्स्ट लाइन. सी लिमिटेड विच हैज अपॉइंटेड मर्चेंट बैंकर टू प्रिपेयर रेड ईयरिंग प्रोस्पेक्टस. आई बिलीव कंपनी लॉ थोड़ा बहुत याद होगा. रेड ईयरिंग प्रोस्पेक्टस कौन बनाता है? कौन बनाता है? द कंपनी विच इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द सेम विथ SEBI. तो बेटा डू यू थिंक सो दिस कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग? रीड पॉइंट नंबर वन SMC के डेफिनेशन में विच इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ बी वर्ड यूज किया गया. सो बेटा ये SMC नहीं है, ये नॉन SMC है. ये देखो नॉन SMC आ रहा है क्या? इट इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड हेंस इट इज वॉट? नॉन SMC. आ जाएंगे ना आंसर बराबर से. पॉइंट नंबर 17 के पास आ जाइए. 16 खत्म हुआ, पॉइंट नंबर 17 के पास आ जाइए. हरी लिमिटेड हैज अ टर्नओवर ऑफ 35 लाख एंड बोरिंग ऑफ 10 लाख ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉन्ट्स टू अवेल एग्जम्पशन अवेलेबल इन of AS applicable for companies for the financial year. Advise the management the exemption available under companies. ये अभी तक अपना pending रखते हैं, अभी तक हुआ नहीं है.
ओके दिस ऑल्सो विल कीप इट पेंडिंग एंड दिस ऑल्सो विल कीप इट पेंडिंग फॉर टाइम बिंग. ठीक है ओके सो शैल वी नाउ गो अहेड. हमको अभी ये पता चल गया कि एसएमसी क्या होता है, नॉन एसएमसी क्या हो गया, क्या किए क्या हमने, एसएमसी और नॉन एसएमसी पता कर लिया. अब करूंगा इसका एसएमसी और अगर नॉन एसएमसी पता चल गया है तो अब जो सेकेंड स्टेप करनी है तो अब ये पता चलो कि एसएमसी को क्या क्या एग्जम्पशंस है. नाउ यू नीड टू नो व्हाट आर द एग्जम्पशंस अवेलेबल टू होम एसएमसी. शैल वी सीट. सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कम डाउन टू दिस पार्ट. ये पॉइंट नंबर है बेटा जी आपका 15. 15 पॉइंट हमने छोड़ दिया था, याद है आपको. 15 पॉइंट पे आ जाइए. एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नकास. स्टेट द एग्जम्पशन एंड रिलैक्सेशन अवेलेबल टू एसएमसीज इन कंप्लाइंग विद नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. चले अभी इसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि नकास क्या करता है, और मैंने आपको बताया भी था कि कंपनीज को और एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है कि नकास द्वारा रेकमेंड किए गए स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट नोटिफाई करती है. तो पढ़िए, नकास हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 210A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अडॉप्टेशन बाय कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट. हाईलाइट द वर्ड क्लास ऑफ कंपनीज. व्हाई सच वर्ड इज यूज्ड, क्लास ऑफ कंपनीज. डू यू रिमेंबर आई सेड बैंक के लिए आरबीआई भी है. अब एसबीआई इज अ कंपनी एंड इट इज गवर्न्ड बाय आरबीआई ऑल्सो. तो इसीलिए क्लास ऑफ कंपनी इसलिए वर्ड यूज किया गया है कि हमारे द्वारा दिए गए एएस ये एप्लीकेबल है सारी कंपनीज को सिवाय बैंक को, सिवाय आरडीए को, सॉरी सिवाय इंश्योरेंस कंपनीज को, सिवाय म्यूचुअल फंड्स को. ऐसा बोल सकते हैं, बोला नहीं ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए क्लास ऑफ कंपनीज ये वर्ड यूज किया गया. नकास ये 1956 के एक्ट द्वारा एक बॉडी बनाई गई थी अंडर सेक्शन 210A ऑफ द कंपनीज एक्ट. बट अब जल्द ही ये बॉडी NFRA द्वारा रिप्लेस की जाएगी. नकास का लॉन्ग फॉर्म देखेंगे तो नेशनल कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सिर्फ कमिटी है ऑन AS. बट NFRA का लॉन्ग फॉर्म देखोगे तो ऐसा है, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इस NFRA के पास अथॉरिटी भी रहेगी. अगर आपको, क्योंकि अभी बात चली है तो तुमको सारी चीजें बता देता हूं. 1 जुलाई के दिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने हमारा करिकुलम लॉन्च किया था 1 जुलाई 2017 के दिन, अगर आपने उनका स्पीच सुना होगा तो स्पीच में उन्होंने काफी बैंड बजाई हमारी सीए लोगों की और कहा कि आपने क्या रेगुलेशंस लिए, क्या पिनिटिव एक्शंस लिए अगेंस्ट ईयरिंग मेंबर्स, मतलब आरिंग मेंबर्स जिन्होंने एरर्स किए. ऐसा आपने क्या किया जो डीमोनेटाइजेशन के बाद में जिन मेंबर्स ने गलत काम किए उनके ऊपर आपने क्या एक्शन ली. उन्होंने कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. आप खुद से डिसीजन लेते हो, आपके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है और आपके मेंबर्स पर एक्शन लेने वाली कमिटी भी आप ही बनाते हो. तो उन्होंने कहा कि आपने पिछले 10 सालों में इतने सारे एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ली, और आप एक्शन लेने में समर्थ नहीं है, आप सही से एक्शन नहीं ले रहे हो और आपके ही लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए हम एक नई बॉडी बना रहे जिसका नाम है NFRA, जिसका काम जो नकास करती थी वो तो है ही है, साथ ही साथ आपके ऊपर भी एक विजिलेंस रहेगा. तो इसके ऊपर हमारी इंस्टीट्यूट काफी अपोज कर रही है, बट अब ऐसा लगता है कि NFRA आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट विल कम अलॉन्ग विद द पावर ऑफ रेगुलेटिंग द मेंबर्स ऑल्सो. और ऐसे कई दिनों से मांग है कि ऐसी एक बॉडी आनी चाहिए जो डॉक्टर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल करे काम, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर भी कोई बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर है जो इनको गवर्न करे, ट्राई है जैसे टेलीकॉम कंपनीज के लिए जो उनको गवर्न करे. तो ऐसी बॉडी आने वाली है जिसका नाम NFRA है और NFRA के प्रावधान प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में है, बट वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है.
जल्दी वो नोटिफाई हो जाएगी. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनएफआरए? और एनएफआरए के पास पावर ज्यादा रहेंगे. जिस समय आएगा एकदम हॉट सिलेबस रहेगा आपका, जिस दिन एनएफआरए नोटिफाई होगा बहुत ज्यादा हॉट सिलेबस रहेगा, और पूछेंगे एनएफआरए के क्या क्या व्हाट आई कैन से राइट्स है और नकास के क्या थे. तो ध्यान रहे कब आपका अटेम्प्ट रहेगा उसके हिसाब से देखना, बट मेरे हिसाब से जल्द आना चाहिए, 2017 के अभी आगे जल्द आना चाहिए. आगे चलते. एज पर नकास रिकमेंडेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड AS 1 to 7, 8 नहीं है, 9 to 29, इज दैट ओके, एज रिकमेंडेड बाय द ICAI विच आर स्पेसिफाइड इन द एनेक्शर टू दिस रूल्स. मतलब यहां पर AS किस तरीके से दिए जाते हैं, एनेक्शर्स में 99% केस में, मैं आपको बता रहा हूं, AS इज इक्वल टू, विच इज इश्यूड बाय ASB इज इक्वल टू वॉट द AS इश्यूड बाय नकास और रिकमेंडेड बाय नकास. 99% अगर हम पास्ट हिस्ट्री देख ले तो सिर्फ एक सिनारियो ऐसा था जहां पर ये वाला AS अलग था, जब AS 11 इंप्लीमेंट किया गया था. AS 11 में पैरा 46A हुआ करता था और ASB के इसमें पैरा 46A नहीं हुआ करता था, बट आज के तारीख में तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. 100% AS इज इक्वल टू नकास द्वारा इशू किए गए AS. ये मैं क्यों समझा रहा हूं अभी आपको, क्योंकि AS पढ़ लिया तो अभी ये टेंशन मत लेना नकास के भी और पढ़ने पड़ेंगे क्या, नहीं, दोनों सेम है आज के तारीख में, 100% सेम प्रोविजंस के मामले में. आगे बढ़ते. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल कम इन टू इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अगर आपको याद होगा तो ASB के वक्त भी हमने यही पॉइंट पढ़े थे. आगे बढ़ते. ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विथ AS सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, ऑडिटर को भी करना पड़ेगा जब आप कंपनी का ऑडिट करेंगे. ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपल्सरी है. एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज प्रीवियसली नॉट एन SMC subsequently becomes an SSE shall not be qualified for exemption on relaxation. कब तक? जब तक कि 2 साल तक वो SMC प्रूव नहीं कर दे. ऐसा हमने इधर भी पढ़ा था. रिलैक्सेशन मतलब पहले आप क्या थे, नॉन SMC, उसके बाद में SMC बन गए, तो कितने साल तक SMC बनकर रहना पड़ेगा? 2 साल. 2 साल तक अगर आप SMC की कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तब आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे. आगे. फुल्ली एप्लीकेबल AS किसके लिए बेटा? फॉर SMC. अगर SMC के लिए देखेंगे तो फुल्ली एप्लीकेबल AS उसको मत पढ़ो, सीधा सिंपल देख लो. 15 एप्लीकेबल विथ मॉडिफिकेशन, 19, 20, 28, 29 एप्लीकेबल विथ मॉडिफिकेशन. कौन से एप्लीकेबल नहीं है? 3 एप्लीकेबल नहीं, 17 एप्लीकेबल नहीं, 21 एप्लीकेबल नहीं, 23 एप्लीकेबल नहीं, 27 एप्लीकेबल नहीं. थोड़ा सा फर्क है उधर में और इधर में, थोड़ा सा फर्क है. एग्रीड? सो विच आर एप्लीकेबल विथ मॉडिफिकेशन एंड विच आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. AS 25 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज कंपनीज विच प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोज हू डिजायर्स टू प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. एग्रीड मेरे बच्चों? अब इस पर क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए लिख कर ले लो, रिवाइज. नॉन कॉर्पोरेट का नहीं किया तो चलेगा, कॉर्पोरेट का करना पड़ेगा. सो विथ मॉडिफिकेशन कौन से अप्लाई होंगे? AS 15, 19, 20, 28, 29. AS 15, 19, 20, 28 and 29. 15 रिटायरमेंट बेनिफिट, 19 लीजेस, 20 EPS, 28 इंपेयरमेंट एंड 29 प्रोविजंस. AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 23 एसोसिएट, 27 जॉइंट वेंचर. एग्रीड? इनमें रिलैक्सेशन. अब क्या रिलैक्सेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इधर नहीं पढ़ाऊंगा अभी, है ये जब रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड देखेंगे तब हो जाएगा. सो इसको लिख दो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. कुछ रिलैक्सेशन है जो मैंने आपको यहां पर दे रखे, ठीक है, ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन हो गया. तो आप ये कब पढ़ेंगे? जब आपको AS की पूरी जानकारी है तो क्या रिलैक्सेशन है फिर समझ में आएगा. अब इधर आ जाओ, कम डाउन हियर. 18 क्वेश्चन नंबर 18 मतलब पॉइंट नंबर 18. कंपनी क्या हुआ 17 क्या 17 भी बाकी है क्वेश्चन. ओके 17 पर आ जाते पहले. सॉरी. हरी लिमिटेड विद अ टर्नओवर ऑफ 35 लाख
and borrowing of 10 lakh during any time of the previous year wants to avail the exemption available in adaptation of AS available for companies for the financial year, advise the management the exemption available under the company's accounting standard rules 2006. तो उसकी borrowings कितनी बेटा 10 लाख, turnover कितना है 35 लाख. तो क्या SMC है क्या? है. अगर SMC है तो क्या उसको exemptions मिलेंगे क्या? Yes. तो कुछ AS उसको modification के साथ apply करना है और कुछ AS उसको applicable है ही नहीं. तो जरा देख लो. Hari Limited is SMC and is eligible for exemption and relaxation given in the previous question, given in the previous para कर दो. सही है ना? तो हरी तो SMC है तो उसको relaxation मिलेगा. चलो जल्दी से बताओ कौन से AS में follow नहीं करना है. AS 17, 21, 23, 27 है नहीं? और कोई है? हाँ सॉरी AS 3B, दे डोंट हैव टू फॉलो दिस AS, नॉट टू बी फॉलोड, विच हैव टू बी फॉलोड विथ मॉडिफिकेशन. सो 15, 19, 28, 29 और एक कोई तो रह रहा है 20 EPS, विच हैव क्या हरी लिमिटेड है तो हे झंडूबाम लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड हो गई, लिस्टेड नहीं होते रहे ना, लाइक पब्लिक लिमिटेड ना, लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड मतलब थोड़ी ना लिस्टेड कंपनी है. कुछ भी क्वेश्चन पूछता है फाइनल में ऐसी चीजें शोभा नहीं देती मेरे भाई. आगे बढ़ते. अ कंपनी विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ SMC एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 हैज रिप्रेजेंटेड दैट इट डज नॉट रिक्वायर टू गिव डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कमेंट. अब ये खतरनाक क्वेश्चन आया. वो बोल रहे कि ये SMC है, ठीक है SMC है भाई, तो SMC है तो AS 3 से छुटकारा है, AS 18 से छुटकारा नहीं है. वो बोल रहा है कि मुझे दोनों से छुटकारा है, AS 3 से भी है, AS 18 से भी है. क्या बात को स्वीकार करते हो क्या? नहीं. क्या कहोगे? AS 3 से छुटकारा भाई तुझे, AS 18 से नहीं है. रीड इट. AS 3 इज नॉट एप्लीकेबल टू SMC, फाइन, बट AS 18 इज एप्लीकेबल एंड रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स आर टू बी गिवन. अभी इस क्वेश्चन को देखकर तोते उड़े होंगे थोड़े से कि सर अभी इधर फ्रेश पड़ा है इसलिए याद आ रहा है, एग्जाम में क्या करेंगे, कर कर जाना पड़ेगा, रिवाइज करने से हो जाएगा. बस ध्यान रखना कौन सा पॉइंट पढ़ना है. नाउ लेट्स सी. अ कंपनी विच वॉज क्लासिफाइड एज नॉन SMC इन 16-17, इन 17-18 इट हैज बीन क्लासिफाइड एज SMC. तो 16-17 के बाद में कितने साल तक SMC का स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा? 2 साल. The management desires to avail the exemption or relaxation available to SMCs in 17-18, मतलब immediately next year, not allowed. However, the accountant of the company does not agree with the same. Give your views. So, the company is not eligible for exemption and relaxation available to SMCs until the company remains as an SMC for 2 consecutive accounting years or period. The accountant view is correct. I hope you have understood this point as well. Done? अच्छा, कम डाउन टू द चार्ट. आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कम डाउन टू द चार्ट. अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? इंडियस. इंडियस को समझाने के पहले मैं दूसरी कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा इंडियस से जुड़ी हुई. मुझे बताइए पिछले 2 डिकेड की अगर हम बात करें, 20 साल की बात करें, भारत की प्रगति का जिम्मा कौन सी इंडस्ट्री ने लिया है? कौन से ऐसी इंडस्ट्री की वजह से भारत की प्रोग्रेस हुई बहुत ज्यादा, भारत का नाम फैला पूरे वर्ल्ड में? क्या लगता है आपको कौन सी एंटिटीज थी ऐसी? भारत में रहते हो, आपको भारत के बारे में पता नहीं? नहीं, मैं एक इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री पूछ रहा हूं. जब मैं इंडस्ट्री पूछता हूं तो आपको FMCG बोलना पड़ता है या फार्मास्यूटिकल या फिर IT. कौन सी इंडस्ट्री ने? वेरी गुड, IT, राइट. IT इंडस्ट्री हैज डन ट्रिमेंडसली वेल इन इंडिया. देन
the other industry which gave a very good boost to the Indian economy was pharmaceuticals. We have done really well even in pharma. We were able to produce generic drugs which were low cost, and they are being sold tremendously in poor countries like South Africa and all. So India is being also considered as medical tourism. People here come from all over the world to have the quality medical facility at a cheaper value. You can have a quality medical facility in US also, but they are too very costly. So if somebody wants a treatment, they come to India also for medical tourism. So it is also a new word which is coined, medical tourism. So pharma was also doing well. The other thing was FMCG, fast moving consumer goods. All right, this industry also did really well. Now, having said that, let me explain you a specific characteristics of this industry. Don't you think so? Infosys has got a subsidiary outside India. Infosys Inc. is based in New York, NASDAQ. Wipro is there abroad. HCL is there, HCL to Indian company. But many other companies are there abroad. Wipro is there, Infosys is there, TCS is there. These are all Indian companies, and they are also there having their offices outside India. Now let's take an example. If Infosys is having a subsidiary outside India, they cannot follow Indian AS as per accounting standards rules 2006. मतलब तुम correlate कर पा रहे हो अभी. मतलब मैं तब की बात कर रहा हूं जब Ind AS नहीं थे. Done. So now this Infosys was following their local regulations, which happens to be IFRS. IFRS are widely adopted, widely accepted accounting standards. Did you get my point? तो हमारी दिक्कत क्या हुई? हमने कहा कि Infosys आप consolidate करो उनके financial statements. But भारत में apply हो रहे AS और वहां पर वो follow कर रहे IFRS. तो पहला जिम्मा ये बनता था कि IFRS को कन्वर्ट कर लेके आओ AS के फॉर्मेट में, फिर उन दोनों को ऐड करो, कंसोलिडेट करो. ये इंडियन कंपनी की प्रॉब्लम बताई. बट और एक दूसरी प्रॉब्लम थी, उबेर इज अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया. नाउ उबेर हैज टू टेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया विच हैज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं अभी यही अज्यूम कर रहा हूं कि इंड एस नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी. फिर ये यहां के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर कन्वर्टेड इनटू IFRS कंप्लायंट एंड देन दे वर कंसोलिडेटेड. नाउ व्हाट डू यू थिंक सो? डोंट यू थिंक सो इट वाज सच अ डिफिकल्ट टास्क टू टेक केयर ऑफ? इतने बड़े बड़े कंपनीज के फाइनेंशियल्स को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS से कन्वर्ट करो IFRS में, और फिर वो वहां पर जाके कंसोलिडेट होंगे. तो भारत इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब. And the time bomb is a population bomb. We need jobs desperately. We need investment desperately. If you don't have investment desperately, then possibly you are doing chartered accountancy. Where are you going to get absorbed in jobs? We need growth in that. Now, because we need growth in that, it is necessary that foreign investment should come in India. And we have seen it in 1991 when we opened up the door for, you know, foreign economy. They came in India and they manufactured really well. They gave jobs, they created jobs. So the same thing should happen today also. If foreign people want to, or foreign entities want to come and operate in India, they are saying we are not coming here because your whole thing is in mess. Pehle tumhare yahan par accounting standards purane wale chalte hain, humko chahiye IFRS kyunki hamari parent entity follow karti hai IFRS, hamari jahan par bhi subsidiary sab log follow karte hai IFRS. और क्योंकि वो IFRS फॉलो करते हैं, हमें पता तो चलता है हमारा ROI कितना है. तुम्हारे AS के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हम ROI निकालेंगे तो मैच नहीं होता है. तुम्हें पता है चाइना वॉज सच अ ब्रिलियंट कंट्री, इज सच अ ब्रिलियंट कंट्री, दे अडॉप्टेड IFRS इमीजिएटली बिकॉज दे वॉन्टेड टू हैव दैट फॉरन इन्वेस्टमेंट देयर इन चाइना. आओ मैन्युफैक्चर करो इधर चीप. वी वर वेरी लेट क्योंकि हम फंसे हुए थे. हमारे यहां पर एक आदमी के पास थोड़ी ना अथॉरिटी है, हमारे यहां पे अथॉरिटी बहुत सारे लोगों के पास है. ASB ने बोल दिया हम कर देंगे, नकास नहीं बोली तो
तो खत्म बात, कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा। 2011 में भी ऐसा ही हुआ, 2011 में वी आर सपोज टू अप्लाई IFRS, बट बिकॉज अपने लॉ को चेंज करने के लिए एंड वी आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू अडॉप्ट IFRS इन 2011, वी कुड नॉट डू इट एंड वी पोस्टपोन्ड इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड इट इज हैपनिंग नाउ। तुम्हें एक बैकग्राउंड समझ में। दूसरा एक प्रॉब्लम, वो बोलते थे कि हम नहीं आ सकते इंडिया में। हमने पूछा क्यों नहीं आते हो इंडिया में, बोले तुम्हारे यहां पे जीएसटी नहीं है। दैट इज द रीजन वी हैड टू अप्लाई जीएसटी, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और गुड्स एंड क्या नाम उसका, जीएसटी इन अदर वर्ड्स। इसीलिए हमें जीएसटी पर भी शिफ्ट होना पड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? India has got good potential people. India has got cheap labor. India is very good in economy. India has got brains. But people who are coming in India wants improvement in various laws so that they can operate at par. When they are operating outside, they can operate in India also. Cheap labor hai to kya hai, magar idhar kitne magaj mari hai. They want labor laws to be proper, appropriate. They want GST and they want a single set of accounting standards being followed all over the world, and that is the reason there was a huge pressure on us to adopt to the IFRS. अब तुमको बात समझ में आती है IFRS क्यों आया? तो हमने adopt late, मतलब adopt नहीं, converge late किया, but किया हमने, देर आए दुरुस्त आया। अब ISB IFRS की थोड़ी सी एक बार story सुन लेते हैं ताकि आपको और चीजें clear हो जाएगी। 1973 में ISAC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, विच इज यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISAC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, जैसे हमारी ASB उस वहां का ISAC है। 1973 में वहां पे बना, 1977 में हमारी ASB बनी। 1973 में जो ISAC बनी, उन्होंने सारे देशों को यह कहा कि हम ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने की कोशिश करेंगे, आप आपके कंट्री में यही स्टैंडर्ड्स अप्लाई कीजिएगा, या उनको लेकर मद्देनजर रखते हुए आप AS फॉर्म कीजिएगा। तो ISAC स्टार्टेड इशूइंग स्टैंडर्ड्स। नाउ दे हैव गॉट मोर ब्राइट पीपल, मोर ब्राइट से ज्यादा उनके यहां पर एक्चुअली स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है, उनके पास कुछ भी नहीं, वो स्क्रैच से सब चीजें करते हैं। ASB का उतना लफड़ा नहीं है। ASB क्या करते हैं कि दे टेक स्टैंडर्ड फ्रॉम द ISAC एंड देन दे डू इट, बट वहां पर तो एकदम जीरो से करते थे। तो AS2 उनका, हमारा भी AS2, उनका इन्वेंटरी हमारा भी इन्वेंटरी, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा भी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसे जैसे वो इशू करते रहे, वैसे वैसे हम भी इशू करते रहे, बट वो चेंज होने लग गए क्योंकि उनको पूरे ग्लोब का ध्यान रखना था, तो वो चेंज होने लग गए। हम चेंज नहीं हुए, हम वैसे ही चलते रहे, तो हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए आउटडेटेड। और वहां पर ISAC ने और कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया और उन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही रिस्ट्रक्चर कर दिया और उसका नाम बना ISB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो जो ISAC है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें और लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। जाहिर सी बात है, अगर तुमको अपने स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए तो तुमको रिप्रेजेंटेशन सभी कंट्रीज को देना पड़ेगा ना। सभी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग बनेगा, देन इट वुड बी अडॉप्टेड। सो देन ISB बनी। तो ISAC ने जो इशू किए थे, ISAC ने जो इशू किए थे ना, ISAC ने जो इशू किए थे उनको वो नाम दिया करते थे IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर ये डिसॉल्व होकर ये रिस्ट्रक्चर हो गए जिसको नाम दिया गया IASB। डिसॉल्व बोलना गलत बात है, रिस्ट्रक्चर हो गई। ISB में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉज मोर, एंड देन दे स्टार्टेड इशूइंग समथिंग कॉल्ड एज IFRS। तो तुम मुझे पूछोगे सर IAS और IFRS अलग है क्या? नहीं बाबा, जो पहले की जो बॉडी थी वो जो इशू करती थी उनको नाम दिया गया IAS, और जो अभी ISB इशू करती है उनको नाम दिया गया IFRS। तो वहां पर नेमिंग सेरेमनी कैसे हुई? IAS 1 और IFRS 1। IAS 1 और IFRS 1 इज नॉट सेम। जो पहले के वो नाम किस नाम से चलते? IAS। और जो नए इशू हो रहे हैं, जो नई बॉडी इशू कर रही है, वो क्या इशू कर रही है? IFRS। अगर मान लो पहले 41 थे IAS, अगर मान लो ISB नहीं आती तो ये IFRS 1 नहीं होता, ये IAS 42 बनता। बट क्योंकि ISB आ गई तो उन्होंने नए नाम क्या देने शुरू किए?
IFRS 1, प्लीज भगवान के लिए समझो, IAS 1 और IFRS 1 सेम नहीं है, बट IAS और IFRS आर वन इन द सेम, मतलब दोनों की अथॉरिटी उतनी ही है। मतलब अगर कोई बोले कि तुमको IFRS फॉलो करने हैं तो क्या समझोगे, दे हैव टू फॉलो IAS एज वेल एज IFRS। ये बात समझ आती है। अब भारत ने के पास दो ऑप्शन थे, अब लेना तो पड़ेगा, IFRS पे शिफ्ट तो होना पड़ेगा, बट दो ऑप्शन थे IFRS में, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था एडॉप्टेशन, एक था एडॉप्टेशन और एक था कन्वर्जेंस। तुम्हें एडॉप्टेशन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? एडॉप्टेशन मतलब नो चेंज, कट कॉपी पेस्ट। छोटी छोटी कंट्रीज जिनके पास खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड नहीं है वो अडॉप्ट कर लेती, पाकिस्तान क्या करेगी बेचारे, लड़ने झगड़ने से टाइम नहीं मिलता है, काहे का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बॉडी पे, काहे का वहां पे ये? बोले अकाउंटिंग तो करनी है पाकिस्तान में, अब एएस तो चाहिए, कोई रेफरेंस मटेरियल तो चाहिए, एल ए अडॉप्ट कर लिया हमने तुम्हारा, कट कॉपी पेस्ट, ये हमारा लॉ हो गया अकाउंट्स का, उसको कहते हैं अडॉप्टेशन। समझ में आती बात? बट अडॉप्टेशन में हमारे देश के हिसाब से सारे कंडीशन सूटेबल है कि नहीं है चेक नहीं किए जाते। हम वीक नेशन नहीं है, हम इतने वीक नहीं है कि हम डायरेक्टली अडॉप्ट करें, हमने यह सोचा कि व्हाई टू अडॉप्ट, हमारे देश के हिसाब से कुछ चीजें चेंज करनी पड़ सकती है शायद से, कुछ चीजें हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, या कुछ चीजें वो जो बता रहे वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि आप IFRS में जो जो चीजें आपके लिए सूटेबल है वो पूरी रखते हो, पूरी रखने से अच्छा मैं तुमको अंदर की बात बताता हूं, 99% चीजें सेम है, 99% से ज्यादा सेम है, कुछ चीजें थोड़ी सी इधर उधर ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि ऐड करने से इज्जत बनी रहती है अपनी, नहीं तो नाम देंगे कन्वर्जेंस और कुछ चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या इज्जत बच जाएगी। तो एएसबी ने क्या किया, कट कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड दे मेड सम चेंजेस इन दैट, एंड दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज कार्व इन एंड कार्व आउट, और भी चेंजेस किए, कार्व इन एंड कार्व आउट, समझे कि नहीं समझे, कार्व इन एंड कार्व आउट। तो कार्व इन एंड कार्व आउट इज व्हाट, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड द स्टैंडर्ड्स विच आर बींग गिवन बाय ASB। इंटरेस्टिंगली ये देखो, वहां पर नाम है IAS, ये देखो IAS 1, तो हमने उसको नाम दिया IND AS 1। अब तो ये कार्व आउट हो गया क्या, उनका नाम है IAS, हमारा नाम है IND AS, नहीं ये कार्व आउट नहीं है, नाम अलग दिया, बट इससे प्रोविजन पर थोड़ी ना अफेक्ट हो रहा है। कार्व आउट वो है, कार्व आउट वो है जिसमें प्रोविजन हमने अलग बनाया, जैसे IAS 1 बोलता है, बैलेंस शीट को बोलता है SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, हमने कहा नहीं जी क्यों तकलीफ करेंगे, हमारे इंडिया के लोग एकदम क्लियर है, वो बोलते हैं हम तो बैलेंस शीट ही बोलेंगे। अब SOFP को IAS 1 क्या बोलती है, SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमने क्या बोल दिया, बैलेंस शीट, तो थोड़ी ना कार्व आउट हो गया, ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हुई ना, टर्मिनोलॉजी चेंज होने से फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो एज लॉन्ग एज देर इज नो फाइनेंशियल इंपैक्ट, जो IFRS का है और वही अगर IND AS का है, दैट इज नॉट कार्व आउट। कार्व आउट ऐसी चीज है ना जिसमें IAS का ट्रीटमेंट अलग है और हमारा ट्रीटमेंट अलग है। कार्व आउट का मतलब है कि जो IAS में है हम स्वीकार नहीं करते, हम निकाल रहे उसको बाहर वहां से, वो कार्व आउट। कार्व इन मतलब जो IAS में नहीं है हमने और एडिशनल कुछ घुसेड़ दिया, कार्व इन। कार्व आउट क्या है, जो IAS में है उसको निकाल दिया जा, कार्व आउट। कार्व इन क्या है, IAS के जो चीजें वो तो रखी और एक चीज घुसेड़ी, कार्व इन। इंटरेस्टिंगली SOFP SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रेहेंसिव इनकम नाम है, हमने बोला ना जी ना हम तो P&L अकाउंट ही बोलेंगे, या TCI टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, समझ में आ रही बात धन में? तो ये कार्व इन कार्व आउट नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, ये कार्व इन कार्व आउट नहीं है, ट्रीटमेंट चेंज हो गया तब दिक्कत है, तब उसको कार्व इन कार्व आउट के नाम दिए जाते हैं। अब सुनिए और एक बात, अब IAS में तो IAS 1 है, IAS 2 है, और धीरे धीरे जाते जाते वो वापिस क्या बन जाता है, IFRS 1। अब इधर तो नाम है IAS
और IFRS है तो तुम तुरंत पहचान लोगे. IAS 1 इज वॉट? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नहीं? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और IFRS 1 क्या है? फर्स्ट टाइम एडॉप्टेशन ऑफ IFRS. फर्स्ट टाइम एडॉप्टेशन ऑफ IFRS. अब इंटरेस्टिंग देखो, इंटरेस्टिंग देखो, मैं अगर इसको बोलूंगा IND AS 1 तो वापस इधर IND AS 1 ही बोलना पड़ता ना मुझे, मैं लफड़े में फंस जाता, बाइफर्केट कैसे करूं नंबरिंग. तो मैंने इसको बोल दिया IND AS 101. कोडिंग अलग कर दी तो तुमको टेंशन है ना सर. IND AS 1 और IND AS 101, मतलब सर बच्चे बोलते सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने पड़ते के क्या? नहीं रे मेरे भाई, जो IAS था ना उसको नाम क्या दे दिया? IND AS 1. क्योंकि पहले ISAC से द्वारा दिए गए IAS को भी सेम एप्लीकेबिलिटी है. अब IFRS उन्होंने तो नाम चेंज कर दिया IAS से IFRS, तो उनका IAS 1 और IFRS 1 में डिफरेंस दिख के आ रहा है. बट हम तो एक ही नाम देंगे ना, IND AS 1. बट अब IFRS 1 को किस नाम से संबोधित करूं? तो IFRS 101, तो कोडिंग डाल दी 10. क्या मैं समझाने में कामयाब हुआ क्या? अरे मेरे भाई, IND AS 100 नहीं है, 100 नहीं है, फील रिलीव्ड. 101 इज अ करस्पॉन्डिंग थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट IFRS, एंड 1, 2, 3, 4 ये जो कंटिन्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? IAS के करस्पॉन्डिंग. डू यू अप्रिशिएट दिस? सो लवली पीपल, यू हैव नाउ अंडरस्टूड कि भारत में IFRS की जरूरत क्यों थी. और IFRS और IAS वन एंड द सेम है, जस्ट IAS वर इशूड बाय ISAC एंड IFRS वर इशूड बाय ISB. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के पीछे रीजन था टू इंट्रोड्यूस IFRS. और जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए भी कितनी अच्छी चीज होगी. सपोज मान लो इस बंदी को मैंने उठाया यहां से और बोला जाए ऑस्ट्रेलिया में, जा वहां पे अकाउंटिंग कर ले, तो पहले इसको टेंशन क्या था पता है क्या? इंडिया में पढ़ो फिर जाके उधर वापिस पढ़ो. अब लफड़ा ही नहीं है, इंडिया में भी वही, ऑस्ट्रेलिया में भी वही, जाके काम कर सकती है. शी कैन गेट अडॉप्टेड वेरी इजीली एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड, बिकॉज AS आर सेम. थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा तो नहीं, मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी थिंग्स विल बी सेम. सो वी आर कमिंग एट पार विथ इंटरनेशनल लेवल, इफ आई से दैट इट्स अप्रोप्रिएट. तो एक बार हमने जो चीज अभी पढ़ी उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते. कम डाउन टू द लास्ट टेबल विच आई हैव गिवन हियर. राइट, कैन यू प्लीज रेफर इट हियर? मैंने बोला IND AS 101, सो उसका करस्पॉन्डिंग क्या है? IFRS 1. IND AS 102, तो उसका करस्पॉन्डिंग IFRS क्या है? 2. समझ आ रही बात? देन अगर भारत में उसके पहले के AS या गाइडेंस नोट है तो वो यहां पर है. समझ में आ रहा है? उसका करस्पॉन्डिंग, इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ में. नीचे अगर आप देखेंगे तो वापिस ये चालू हो गया. IND AS 1 इधर लिखो IAS 123, 127, ऐसा है. मेरी बातें पहुंच रही है अब तक? IAS 1, तो उसका करस्पॉन्डिंग IND AS 1 हो जाएगा. ये ऐसे ही है ना ऊपर IND AS, हाँ बराबर IND AS 1, तो IAS 1, और 101 कब? IFRS 1, तो IND AS 101. समझ में आया? तो ये नेमिंग सेरेमनी आपको समझ में आया, और इस तरीके से सेम नंबर्स है. तो अगर आप देख रहे हो यहां पर, तो इस टेबल में यहां पर हम कहां तक आ जाते हैं? 41. 41 के बाद में उन्होंने IAS इशू बंद कर दिए, करना बंद कर दिया, और उसके बाद में वो क्या इशू करने लग गए? IFRS, और इनमें से कुछ डिलीट भी हो गए अभी क्या? हाँ, IFRS सिर्फ 14 इशू है, 14 अभी और आगे इशू होंगे, तो 14 के आगे होंगे IFRS. और उसके पहले जो थे IAS वो कितने इशू हो गए थे? 40, और उसमें से कुछ डिलीट भी हो गए. मेरी बातें पहुंची अब तक अच्छे से? ऑलराइट, ये जो है आप सिर्फ लिख कर रखिए, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, दिस यू हैव टू राइट डाउन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ये पता होने के लिए सिर्फ मैंने दे रखा है. अब क्वेश्चन ये है कि भारत में IND AS अप्लाई कौन करता है? सो IND AS आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जाहिर सी बात है, दे कैन नॉट बी अप्लाइड बाय स्मॉल एंटिटीज एट दिस मोमेंट. सो भारत ने अडॉप्ट करने की स्ट्रेटेजी ऐसे किया,
they said that we are going to apply it step by step. First, big companies which are having net worth greater than 500 crores, net worth 500 crore ke upar jinka hai, wo apply karenge phase 1 mein. Listed ho ya unlisted ho, koi farak nahi. Phase 2 mein, listed company to karegi hi karegi. नॉन लिस्टेड कंपनी तब करेगी अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है. तो फेज वन में कौन कर रहा है? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है. फेज टू में क्या डिसाइड किया गया? जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है जो नॉन लिस्टेड है. लिस्टेड है तो करना ही है, लिस्टेड है तो करना ही है. नॉन लिस्टेड है तो जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है. मतलब इंड एस अगर किसी कंपनी को फॉलो करना है तो यह बात तय है पांडे जी कि कम से कम नेटवर्थ आपका 250 करोड़ के ऊपर होना चाहिए या आप लिस्टेड होना चाहिए. मतलब अगर आपको कॉर्पोरेट एंटिटी के बारे में और अगर वो दोनों चार्ट मिक्स करके बता दूं तो देखो चार्ट अगर आपको समझ में आ रहा है क्या. अगर एसएमसी है तो रिलैक्सेशन ऑफ एएस 2006, और अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ के नीचे है सो देन यू विल अप्लाई व्हाट? एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 के हिसाब से. बट 2006 के हिसाब अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ के नीचे है, अगर आपका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है देन यू आर गोइंग टू फॉलो इंडेस, राइट? ये फेज टू था. तो सर फेज टू के बाद में खत्म किया, दो ही फेजेस है क्या? नहीं, फेज थ्री भी है, फोर भी है. फेज थ्री और फोर में बैंक्स एनबीएफसी को आईएफआरएस इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है. फेज थ्री और फोर में बैंक्स और एनबीएफसी को आईएफआरएस इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है. बट कॉर्पोरेट के लिए 250 करोड़ की लिमिट थी. एग्रीड? तो अभी मैं पहले जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा बेटा जी? लिमिट. कम डाउन टू द पॉइंट नंबर 21. अरे देर ऑन पॉइंट नंबर 21. सो इट सेज एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015. पहला जो फेज था वो था वॉलेंट्री कंप्लायंस. वॉलेंट्री कंप्लायंस मतलब अगर किसी कंपनी को फॉलो करना है तो कर सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 1/4/2015 के आगे वॉलेंट्रीली कर सकते हो. एंड द वर्ड दे हैव यूज्ड इज एनी कंपनी. बट अगर किसी कंपनी ने किया तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी सभी को क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंडेस. क्या मेरी बातें पहुंची क्या अब तक? अगर किसी कंपनी ने सू मोटो किया तो उनको क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट सभी को क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? इंड एस. फ्रॉम व्हाट डेट? 1/4/2015. ध्यान से सुनो. नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर उन्होंने एक बार इंड एस फॉलो करना शुरू कर दिया कोई भी कंपनी तो वो इररिवोकेबल है. अब वापिस चेंज होकर ए एस पर नहीं आ सकते. और अगर एक बार इंड एस फॉलो करने लग गए तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जिस्टिंग एस एज पर रूल 2006. तो मतलब या तो रूल 2006 या तो रूल 2015. बात समझ में आई? नेक्स्ट लेवल पर आइए, मैंडेटरी कंप्लायंस. मैंडेटरी कंप्लायंस में अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट है? ए, बी, सी, डी. मतलब फेज एक नहीं, फेज चार है. ए बी सी डी स्टैंड्स फॉर फोर फेजेस. फेज वन, कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विच कंपनी हुज इक्विटी डेट आर लिस्टेड और, हाईलाइट कीजिए और, फेज टू में और नहीं रहेगा, और आर इन द प्रोसेस ऑफ बींग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ और एनी अदर कंपनी. हाईलाइट द वर्ड एनी अदर कंपनी का मतलब इधर नॉन लिस्टेड. नॉन लिस्टेड हैविंग अ नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ and holding subsidiary joint venture or associate companies of the above. ये सभी क्या करेंगे? Ind AS compliant financial statement बनाएंगे. और एक बात ध्यान से सुनिए पांडे जी, मैं इधर क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन रहे हो क्या? शॉर्टकट ये है, ट्रिक ये है, एनी कंपनी लिस्टेड और नॉन लिस्टेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ नेटवर्थ, बात खत्म हो गई. तो मान लीजिए करंट ईयर में, क्योंकि ये वाला फेज निकल गया है तो इसका मैं ट्रांजिशनल प्रोविजन डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हम 2017 में हैं.
1/4/2016 से चालू हो गया, तो ट्रांजिशनल प्रोविजन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं अब क्या करना है, मतलब अब मान लो किसी का नेटवर्क 500 करोड़ के ऊपर हो गया तो अब क्या करें। तो जिस साल में आप लिमिट तोड़ते हो उसके अगले साल से आप पर IFRS अप्लाई हो जाता है। मतलब इस साल नहीं होगा, इस साल लिमिट तोड़ दी, टर्नओवर बढ़ गया, तो इस साल IFRS नहीं, इसके अगले साल से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स गो ऑन। तो ऐसी कंपनियों को 1/4/2016 से कंप्लाई करना था। बट अब क्वेश्चन पूछोगे कि सर नेटवर्थ कौन सी तारीख का डिसाइड करना है? अब 2016 से चालू करना है बट नेटवर्थ कौन सी डेट को डिसाइड करना है? नॉट 1/4/2015, सॉरी, इट इज 1/4/2014, देयर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब 2016 से शुरू करना है IFRS फॉलो करना, उसके कितने साल पहले? दो साल पहले। अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है तब आप 2016 से क्या फॉलो करते हैं? IFRS और Ind AS। मेरी बात सुनो ना पांडे जी, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन मत देखो, क्योंकि वो ट्रांजिशनल प्रोविजन जा चुका है, अब वो इतना रिलेवेंट नहीं है। फेज सी और डी में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो फेज अभी तक आने बाकी है। ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड। कंपनीज हुज इक्विटी डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और आर इन प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़। तो इन्होंने लिस्टेड के लिए क्या बोला? लेस देन 500 करोड़। कोई लिमिट नहीं है, चेक कर रहे हो आप? कोई लिमिट है क्या? लिस्टेड के लिए तो कंपलसरी हो गया। तो लिस्टेड के लिए दो ही ऑप्शन थे, तुम ग्रेटर देन 500 करोड़ हो, फॉलो IFRS, राइट, 2016 से। बट तुम लेस देन 500 करोड़ हो, फॉलो आफ्टर 1/4/2017। बट अगर तुम नॉन लिस्टेड हो तो फिर लिमिट दिए उन्होंने कि 250 से 500 करोड़, 250 to 500 करोड़, एंड दे हैव टू फॉलो ऑन 1/4/2017। जाहिर सी बात है होल्डिंग कंपनी भी आपको यहीं पे लेना है, होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ द कंपनीज अबव, डन। अब आते हैं आगे वाली लिमिट, ये वाली, समझ रहे हो आप? जरा देखो, सी, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैविंग अ नेटवर्थ ग्रेटर देन 500 करोड़ एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, एग्रीड? होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज ऑफ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज का लॉन्ग फॉर्म लिखो, रीजनल रूरल बैंक। रूरल बैंक में बेटा जी कहीं कहीं बैंकों में तो शायद कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं होगा, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू फॉलो Ind AS और IFRS। तो RRB को इस स्कोप से बाहर रखा गया। सो क्या वर्डिंग है? एक्सक्लूडिंग RRBs। मेरी बात पहुंची आप तक अच्छे से? आगे बढ़ते, तो इनके लिए क्या बोला कि नेटवर्थ 500 करोड़, और इनको फॉलो कब करना है? 1/4/2018। अब 2018 अभी आना बाकी है, तो तुम्हारे मन में एक कसक होगी, सर नेटवर्थ कौन सी तारीख का देखूं? तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते इमीडिएट नोटिस 2017 में अगर तेरा नेटवर्थ है तो चल फॉलो कर, नहीं, उनको टाइम दिया गया, एक कट ऑफ डेट डिसाइड की है, जिस डेट के दिन अगर तुम्हारा नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है तो तुमको क्या फॉलो करना पड़ेगा? Ind AS। उन्होंने और एक चीज दी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ, ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी जरूरी है, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। नेटवर्थ का मीनिंग क्या, यह भी पता होना चाहिए, और कौन सी तारीख का वो कट ऑफ है जब आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? Ind AS, इस तारीख के आगे। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, NBFC whose equity or debt securities are listed or in process of listing on any stock exchange in India or outside India and having a net worth less than 500 crore, agreed? मगर ये कौन सा? लिस्टेड के लिए। तो लिस्टेड के लिए दो ही ऑप्शन है, 500 के ऊपर तो पहले, 500 के नीचे तो बाद में, एक साल का डिफरेंस है, 2019 से करेंगे। अनलिस्टेड NBFC 250 to 500 crore and holding subsidiary and joint venture. Am I communicating or not? Yes. बेटा अगर आपने ऊपर पॉइंट नंबर ये देखा था 2C में, बैंक को कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ बैंक को एक ही बोला, RRB को एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चों, आने वाले समय में बैंक्स आर गोइंग टू फॉलो Ind AS विदाउट एनी एक्सेप्शन 2018. So our bank will come at par with international levels accounting. Are you getting my point? Now let's go ahead.
अब ये देखते जरा, पीरियड ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कंपनी विच सेटिस्फाइज द अबव कंडीशन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर शैल अप्लाई इंड एस फ्रॉम द इमीडिएट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. ये ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं है, आने वाले समय में कभी भी कोई भी कंपनी अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है तो उस साल में, जिस साल में सेटिस्फाई करती है उस साल से नहीं, कब से करती है, फ्रॉम इमीडिएटली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. तो जिस साल में, फ्रॉम द, ये देखो, फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर शैल अप्लाई फ्रॉम द इमीडिएट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. सो फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन ऑन 31st March 2018 शैल अप्लाई इंड एस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स. और एक बार इंड एस में आ गया सो देर इज इरिवोकेबल. ओके, एक बार ये फॉलो करने लग गया तो 2006 फॉलो नहीं होगा, ये बोलने की जरूरत नहीं है. से यस. बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और एक कंडीशन डाली है उन्होंने, जो मैं आपको बार बार समझाते आया हूं, एक बार वापस देख लीजिए. बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज शैल अप्लाई इंड एस एज नोटिफाइड बाय आरबीआई एंड आईआरडीए रिस्पेक्टिवली. हाईलाइट एज नोटिफाइड बाय आईआरडीए एंड आरबीआई रिस्पेक्टिवली. तो मुझे बताओ एसबीआई क्या है? कंपनी है. कंपनी ने इंड एस ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए वाया नकास. एसबीआई कंपनी होने के बावजूद भी कंपनीज एक्ट द्वारा नोटिफाई किए गए इंड एस फॉलो नहीं कर सकती, उनको फॉलो करना पड़ेगा विच इज नोटिफाइड बाय आरबीआई. तो अगर आरबीआई चाहे तो और कुछ चेंजेस कर कर भी दे सकती है कि तुम ऐसे फॉलो करो. मेरी बात पहुंची क्या? तो इधर वर्डिंग क्या है, नोटिफाइड बाय आरबीआई एंड आईआरडीए रिस्पेक्टिवली. एन इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी शैल हाउएवर प्रोवाइड इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इट्स पेरेंट और इन्वेस्टर और वेंचरर एज रिक्वायर्ड बाय पेरेंट इन्वेस्टर और वेंचरर टू कंप्लाई विद एएस रूल्स. कुछ भी नहीं समझा सर. मान लो तुम्हारी पेरेंट का, तुम्हारी पेरेंट का, पेरेंट मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग इज गोइंग टू फॉलो इंड एस, मगर इसकी सब्सिडरी बच्ची है बेचारा छोटा. एग्रीड? सब्सिडरी को शायद से इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट सब्सिडरी को डेटा तो देना पड़ेगा ना इंड एस कंप्लायंट. एग्रीड? एम आई कम्युनिकेटिंग? ऑल राइट, कम डाउन हियर. नाउ कम डाउन हियर. नेटवर्थ इंपॉर्टेंट है. ये वाला थोड़ी देर इग्नोर करो, कर सकते हो, ये थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ये वाला पॉइंट इग्नोर करो, मैं इसके ऊपर आऊंगा, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो. एनबीएफसी विच आर इन एग्जिस्टेंस फॉर 31st March 2016. मैं आपको जरा ऊपर जाके बोलने के लिए कह रहा हूं कि एनबीएफसी को फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कब से है, 2018 के. देखो तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, हम एनबीएफसी को फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले ऑन 1/4/2018 से लेकर 31st March 2019. पांडे जी सही है. इसका एक साल पहले क्या होगा, 17-18. इसके एक साल पहले क्या होगा, 16-17. हाँ या नहीं? अगर आपको 18 से इंड एस अप्लाई करने हैं, अगर आपको 2018-19 से इंड एस अप्लाई करने हैं, तो नेटवर्थ पीछे का एक साल छोड़ो, उसके पीछे के एक साल पे जाके चेक किया जाता है. नो प्रिंटिंग मिस्टेक. क्योंकि आईएफआरएस में रूल ऐसा है, इंड एस में रूल ऐसा है कि अगर भले ही आप इधर फॉलो करने वाले हो, बट आपको कंपेरेटिव्स देने किसके, 17-18 के. हाँ नहीं? तो 17-18 का तुम एएस से प्रिपेयर करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 17-18 से इंडेक्स फॉलो नहीं करना है, बट आपको कंपेरेटिव इंडेक्स के देने पड़ेंगे जब आप 14-18-19 का बनाएंगे. मेरी बात समझ में आया क्या? लॉ के हिसाब से, एएस के हिसाब से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तुम 18-19 में आ जाओगे तो कंपेरेटिव इंडेक्स के देने पड़ेंगे 17-18 के, भले ही तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006. मेरी बात पहुंची? तो अब मैंने एक बात बताई थी कि एक लाइन ऊपर की थोड़ी सी देर इग्नोर करो. अब मुझे बताओ कंपनीज के लिए, कंपनीज के लिए फर्स्ट डेट कौन सी थी? वॉलेंट्री छोड़ो, मैंडेटरी कब से थी? 1/4/2016 से थी क्या? सो कैन आई नॉट से इट इज 16-17?
उसके पहले का साल 15-16, उसके पहले का साल कौन सा 14-15, इसीलिए डेट आई 1/4/2014 के दिन नेटवर्क देखना था। चेक करो अभी लाइन समझ में आ रही क्या, ये मैं लाइन मिटा देता हूं। 31 मार्च 2014 के बारे समझ में आ रहा है क्या, और ये 16 के बारे पता समझ में आ रहा है क्या? मतलब ट्रांजिशनल प्रोविजन में फर्स्ट टाइम जिसको अडॉप्ट करना है उसके लिए रूल क्या, आपको एक साल पीछे नहीं जाना है, नेटवर्क देखने के लिए 2 साल पीछे जाना है। से यस, सो रीड इट। और अच्छा, नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करना है, कंसोलिडेटेड कैलकुलेट करना है या स्टैंड अलोन करना है? जैसे टाटा मोटर्स की बात करें, सो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है जगुआर लैंड रोवर, तो जगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर्स दोनों कंसोलिडेट कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट सिर्फ टाटा मोटर्स देखा तो शायद छोटा है। तो ध्यान रहे, आपको नेटवर्थ निकालना है स्टैंड अलोन का, नॉट कंसोलिडेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नहीं बेटा, दो होते हैं, सो आपको नेटवर्थ निकालना है स्टैंड अलोन। सो देखो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2014-16 और फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग पीरियड which ends after that date, अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग पीरियड which ends after that date, मतलब इसके आगे से ध्यान में रखना कि एक बार ये डेडलाइन खत्म हो गई, मैंडेटरी डेडलाइन कब से, 2018। अब 2018 के बाद में, 2018 में कोई एनबीएफसी क्वालिफाई नहीं हुई, पीरियड गया गया गया, फिर एक एनबीएफसी का ऑल ऑफ सडन नेटवर्थ बढ़ गया तो उसको इंडेक्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। अब इंडेक्स अगर उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे तो इमीडिएटली एक साल पहले का देखकर आपको कंप्लाई करने है। सही है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा ना, जिस साल में आपका नेटवर्थ इंक्रीज हो गया उसके अगले साल से आप क्या फॉलो करने लग जाएंगे, इंडेक्स। बट ये अभी मैंने जो सिखाया वो कौन सा सिखा है, मैंडेटरी वाला सिखा है। चलो आ जाओ पढ़ जाओ, ओके, ये वाला पॉइंट वही है, फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग आफ्टर दैट डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट सेटिस्फाइज द कंडीशन, इज दैट ओके? नाउ रीड द पॉइंट, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आगे आ जाओ, नहीं ओवरसीज वाला नहीं देखना है अभी, ऑलराइट। सो हमने ये कंडीशन समझने में कामयाबी हासिल की क्या, कौन सी वाली, नेटवर्थ वाली, से यस। मैंने कहीं पर नेटवर्थ का डेफिनेशन डाला था, कहां पे है, या हियर इट इज, कम डाउन टू द पॉइंट नंबर 20। अब हम यहां से वापस पढ़ना शुरू करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा जी, हाईलाइट कर दीजिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। सो देखते, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयर टू ऑफ कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 3 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, बट जब बेटा मैं एएस रूल 2006 की बात कर रहा था तो वहां पे था कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013, क्योंकि वो पहले से इशू होता है, बट ये इशू हुआ 2013 के बाद में। नेक्स्ट, एनेक्शर, एनेक्शर कंटेनिंग इंडेक्स अपेंडेड टू दिस रूल्स, एंटिटी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ और अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नहीं, यहां पर मैंने बताए थे 5 है, तो यहां पर देख लो कौन सा ऐड हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, से यस। और एक जो लास्ट में है वो कौन सा है, नोट्स टू अकाउंट, दैट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एम आई कम्युनिकेटिंग? मगर जो एएस कंप्लायंट है 2006 उसके कितने हैं, 4। आगे बढ़ते, नेटवर्थ, अच्छा नेटवर्थ का कोई लॉजिक वहां पर नहीं था, इधर है, क्योंकि इधर रूल ही ऐसा है कि इंडेक्स कौन फॉलो करती है, कंपनी जिनका नेटवर्थ एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस कर जाता है। शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो 2019 के बाद, 2019 बराबर है क्या, इफ आई एम रेफरिंग द डेट प्रॉपरली, यस, 1/4/2019 के बाद एनी कंपनी विच हैज गॉट नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 करोर, मतलब एनबीएफसी ऑल्सो विल हैव टू फॉलो व्हाट, इंडेक्स, एग्रीड? सो आपके फेजेस कितने हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ए बी सी डी, उसके पहले एक और फेज था, वो मैंडेटरी नहीं था, वो वॉलेंट्री था, वो था 2015 से। आगे देखते, नेटवर्थ मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट।
net worth does not include reserves created out of revaluation of asset, write back of depreciation and amalgamation. Amalgamation में कुछ reserve create करते थे ना, amalgamation adjustment reserve, वो नहीं लेना है. तो आपको लेना क्या क्या सर? Securities premium, आपके profits, उसमें से less कर देने का, जो भी fictitious asset है, paid up capital add करना है. Say yes. तो इस तरीके से हमको net asset क्या है, sorry, net worth क्या पता चले. Comparatives, comparative figures for the preceding accounting period. Now, non-banking financial companies, we are not studying it right now. It is given as a definition. You can read it, but not important. ये NBFC है. उन्होंने एक example दिया. NBFC इतनी सारी है. समझ गए? अब मेरे रसगुल्ले बच्चे, मैंडेटरी कंप्लायंस देख लिया हमने, नेटवर्थ का मीनिंग देख लिया, अब कुछ रूल्स भी समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू. कम डाउन हियर. जरा ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट पढ़िए पहले. कंसोलिडेशन इन सर्टन केसेस. पेरेंट इज कवर्ड बाय ए एंड बी. ए एंड बी मतलब फेज ए एंड बी. एबीसीडी चार फेजेस है ना. पेरेंट इज कवर्ड बाय ए एंड बी. अब पॉइंट टू, और वॉलेंट्रीली अप्लाई इंड एस एंड पेरेंट हैज अ एनबीएफसी सब्सिडरी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर. ऐसा कुछ हुआ तो देखो क्या करेंगे. पेरेंट हैज टू प्रिपेयर इंड एस कंप्लायंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बराबर है, क्योंकि पेरेंट किस में कवर हो गया? पॉइंट टू में कवर हो गया, ए और बी फेज में. द एनबीएफसी सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर हैज टू प्रोवाइड द रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय पेरेंट कंपनी फॉर कंसोलिडेशन पर्पज. क्योंकि पेरेंट के ऊपर कंसोलिडेशन करना कंपल्सरी है, और कंसोलिडेट करेगा तो वो एएस 2006 रूल्स के कंसोलिडेशन इंडेक्स के साथ नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो इधर, इफ सपोज आई एम सेइंग देयर इज अ पेरेंट, ये इंडेस करेगा तो स्टैंड अलोन इंडेस पे हो गया. एग्रीड? अब इसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरीज मान लेते हैं एएस रूल 2006 फॉलो करती है, बट ये तो इसके साथ कंसोलिडेट नहीं हो सकता ना. तो इनको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कौन सी करनी पड़ेगी? इंडेस की करनी पड़ेगी. से यस. वैसे हमारी सब्सिडरी कोई फॉरेन में होगी, अफगानिस्तान में. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मिनरल रिसोर्सेस के लिए हमारी सब्सिडरी अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान में लेट्स अज्यूम इट, आई डोंट नो, अफगानिस्तान में लेट्स अज्यूम इट इंडेस नहीं है. तो हमारी कंपनी वहां पर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाएगी सब्सिडरी, क्योंकि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाना पड़ेगा. मगर इधर कंसोलिडेट करते वक्त मुझे इंडेस का ही डेटा चाहिए, इंडेस के हिसाब से. ये इसलिए मैंने और एक वहां पे ऊपर पार्ट लिखा, ये देखिए फॉरेन एंटिटी के बारे में लिखा है. देखो, ओवरसीज सब्सिडरीज एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी, मतलब भारतीय कंपनी की ओवरसीज कोई एंटिटी है, तो इट मे प्रिपेयर इट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन. से यस. हाँ या ना? फिर आगे क्या बोला? द इंडियन कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस वॉलेंट्रीली और मैंडेटरीली इफ इट सेटिस्फाइज द एप्लीकेबल कंडीशंस. हाँ या ना? मतलब मेरी सब्सिडरी कहां पे है? कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन एंटी, फॉरेन कंट्री में, वहां पे इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां के हिसाब से बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मगर जब मुझे कंसोलिडेट करना है इंडिया में, तो आई विल कंप्लाई देयर इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, आई कैन कंसोलिडेट. अगर आप वो मैंडेटरी एप्लीकेशन देख पा रहे हो ना बच्चों, इधर हर जगह पे होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज, ये इनडायरेक्टली इंक्लूड हो गया ऐसे. समझ गए? इनडायरेक्टली इंक्लूड हो गया, क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए जरूरत हो गई उनको इंडेक्स बनाने के हिसाब से. ऑलराइट, सो अब कौन सा पॉइंट रहता है इसमें? अच्छा, इसके बाद में मैंने ये कार्विन कार्व आउट आपको ऑलरेडी सिखा दिया बेटा, उनका मीनिंग भी बताया आपको, और IFRS क्या होता है इसके बारे में भी बताया, ISB क्या है मैंने बताया था. IFRS आर इशूड बाय ISB, बराबर है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, इशूड बाय द ISB. ISB इज कॉल्ड एज व्हाट? ISAC थी ये पहले, ठीक है. और वैसे इंटरप्रिटेशन इशूड बाय स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमिटी SIC,
एस आई सी वॉज आईसैक की बॉडी थी। हम भी तो एएसआई इश्यू करते ना, हाँ या नहीं? तो वहां पर उनका नाम क्या था, स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमिटी एस आई सी, वो आईसैक की बॉडी थी। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी इफ्रिक, ये आईएसबी की बॉडी है। तो कुल मिलाकर एसआईसी और इफ्रिक इज वन एंड द सेम। जैसे हमारे यहां पर ये था ना एएसबी द्वारा दी गई क्या इंटरप्रिटेशन एएसआई, वैसे वहां पे उनका नाम क्या एसआईसी और क्या इफ्रिक। जैसे हमारे यहां पर इंटरप्रिटेशन का सेम वेटेज है जैसे एएस का, वैसे वहां पर भी सेम वेटेज है सिक और इफ्रिक का। समझ में आई क्या बात? धन में तो इधर मैंने वो चीजें लिखी है, अर्लियर आईएसबी वाज कॉल्ड एज आईसैक एंड वाज सब्सिक्वेंटली रीऑर्गेनाइज्ड एट व्हाट आईएसबी। और आईएफआरएस को ज्यादा एडॉप्टेशन मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि उन्होंने ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया आईएसबी में स्ट्रक्चरिंग चेंज की। तो ये ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन रीड इट। राइट, अ शॉर्ट नोट ऑन कन्वर्जेंस। मैंने आपको कहा कि हमने एडॉप्ट नहीं किया, कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करने के पीछे कई सारे रीजंस थे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग थलग पड़ गए थे क्योंकि हम सिर्फ लोकल में बनाते थे और बाकी के मेजॉरिटी कंट्रीज बनाने लग गए थे आईएफआरएस में। तो उनके साथ कंपटीशन करने के लिए, फंड्स अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ बदलाव लाने जरूरी पड़े, तो इसलिए हमने कन्वर्ज किया। हाँ नहीं बोलो ना? हाँ। तो ये सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हो। और दिस यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ, यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ। और उसके आगे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्व आउट एंड कार्विन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कार्व आउट और कार्विन क्या है, कितने कार्व आउट है कितने कार्विन है। जब मैं इंड एस पढ़ाना शुरू करूंगा तब आपको बताऊंगा, बट तब आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्व आउट व्हाट इज कार्विन। इज दैट ओके? कार्व आउट मतलब आईएफआरएस से कुछ चीज निकाल दी बट दैट हैज टू बी हैव अ फाइनेंशियल इफेक्ट, इंपैक्ट आना चाहिए। नाम चेंज किया तो कार्व आउट नहीं है। तो इधर एक बार पढ़ी लो, टर्मिनोलॉजी चेंज किया, नॉट कार्व आउट। ये देखो, नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट, हाईलाइट किया ना, नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट। आईएफआरएस में दो ऑप्शन है, सुनिए ना, आईएफआरएस में दो ऑप्शन है। जैसे आईएफआरएस में इनकम स्टेटमेंट को बनाने के दो ऑप्शन है, एक आप दो स्टेटमेंट बना सकते हो, एक आप एक ही स्टेटमेंट बना सकते हो, दो ऑप्शन है। हमने वो ऑप्शन निकाल दिया, हमने एक ही ऑप्शन रखा, एक ही स्टेटमेंट बनाओ। मतलब पूरे भारत भर में दो ऑप्शन नहीं रखे हमने, एक ही ऑप्शन। तो आईएफआरएस बोलता है दो ऑप्शन, हम बोलते हैं एक ही ऑप्शन, तो ठीक है ना, फिर भी हम आईएफआरएस को तो फॉलो कर रहे हैं ना। सो रिमूवल ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट अ कार्व आउट, बट जब ट्रीटमेंट ही चेंज कर देते हम तो उसको क्या बोलते हैं, कार्व आउट। हाँ नहीं? एग्रीड? सो दिस इज इन डेविएशन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्व आउट, डेविएशन है। और कार्विन्स क्या होता है उसका एक एग्जांपल दिया है कि हमने कोई चीज घुसेड़ दी। तो देखो क्या लिखा, एडिशनल गाइडेंस ऑन अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज एंड अंडर कॉमन कंट्रोल विच इज ओवर एंड अबव गिवन इन आईएफआरएस। ज्यादा ऐड कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, कार्विन। कार्व आउट और कार्विन का मीनिंग सिर्फ समझा है, कितने कार्व आउट है कितने कार्विन से ये हम कब देखेंगे, व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग इंड एस। लवली पीपल, फिर उसके बाद में मैंने लिस्ट ऑफ इंड एस दिया और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय, नॉन कॉर्पोरेट के लिए कौन इशू करता है, सोच समझ के बोलना, गटर मत खोल देना। नॉन कॉर्पोरेट के लिए कौन इशू करता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या आईसीआई करती है? आईसीआई थ्रू एएसबी, योर आंसर इज राइट। कॉर्पोरेट के लिए कौन करता है, चलो पूछ लेता हूं, कॉर्पोरेट के लिए कौन करता है? नहीं नहीं, पर अगर कॉर्पोरेट को करना है तो मुझे पूरी स्टोरी मत बताओ, इन तीन ऑप्शन में से बताओ। कंपनीज को करना है तो उनको आईसीआई की सुननी है या गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक्ट को सुनना है, गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक्ट को, तो हम किसको टिक करेंगे? अगर कॉर्पोरेट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अगर कॉर्पोरेट रहा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी। व्हाट डू यू थिंक, सो व्हाट इज द राइट आंसर? सेकेंड का राइट आंसर क्या है?
सी, क्योंकि हार्मोनाइज भी करते हो और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि दीज आर ग्लोबल प्रैक्टिसेस. इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड स्टैंडर्डाइज. हमें इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी कंसिस्टेंसी बोथ ए एंड बी. अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट इज बोथ ए एंड बी. ट्रांसपेरेंसी भी आती है, क्योंकि जो फॉरेन के एंटिटीज है वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि आपके यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे के इधर के एएस अलग है, तुम्हारे आउटडेटेड है. सो ट्रांसपेरेंसी भी आई कि हाउ मच प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर. ट्रांसपेरेंसी इज देयर हाउ वी आर फॉलोइंग इट एंड एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो देयर. सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज बोथ ए एंड बी, एग्रीड. बट आपकी मॉड्यूल के हिसाब से इसका आंसर है ए. आपकी मॉड्यूल के हिसाब से इसका आंसर क्या है? ए. नहीं नहीं नहीं, मॉड्यूल के हिसाब से भी सी है. आई एम सो सॉरी. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर क्या है? सी है. विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज, ऐसे कौन सी है? ए, नकास. बट आने वाले समय में कौन हो जाएगा? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया. गुड. ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, पैसा बढ़ता है. कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोथ ए एंड बी. फंड्स तो आते ही है और कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बढ़ती है क्रॉस बॉर्डर वाइज. सो द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. से यस. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. उसके आगे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है, अगर हो सके तो अभी पढ़कर खत्म कर लेना. तो मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे इधर इंक्लूड कर लिए गए आपके इसमें. तो इसके अलावा अब आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इज दैट ओके? IFRS का कुछ पार्ट मैंने मॉड्यूल का इधर डिस्कस नहीं किया, जैसे आई हैव नॉट डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IFRS एंड ऑल. वंस आई स्टार्ट विद Ind AS आई डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ Ind AS एंड ऑल. इज दैट ओके? तो आज मैंने सिर्फ भारत में कैसा स्ट्रक्चर चलता है वो सब चीजें समझाने की कोशिश की. इज दैट ओके? सो डू रिवाइज एट होम एंड इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज इट वेरी क्विकली यू कैन रिवाइज दैट चार्ट एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. इज दैट ओके? सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Tomorrow, let's start with some more interesting things in FR.